गंगत के सरकारी स्कूल में हुई घटना को लेकर डिप्टी डायरेक्टर गुरदेव सिंह अपनी टीम के साथ स्कूल में पहुंचे। उन्होंने स्कूल की लड़कियों व स्कूल के स्टाफ के साथ इस सारी घटना के बारे में अलग अलग से बात की और साथ ही गुरदेव सिंह अभिभावकों से भी मिले और सारी घटना के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है, बच्चे व उनके अभिभावकों से इस मामले में बात कर ली है और हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। गंगत के सरकारी स्कूल में हुई घटना को लेकर डिप्टी डायरेक्टर गुरदेव सिंह अपनी टीम के साथ स्कूल में पहुंचे। उन्होंने स्कूल की लड़कियों व स्कूल के स्टाफ के साथ इस सारी घटना के बारे में अलग अलग बात की। गुरदेव सिंह अभिभावकों से भी मिले और सारी घटना के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है, बच्चों व उनके अभिभावकों से इस मामले में बात कर ली है, हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में हुई घटना को लेकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने अपना रुख कड़ा कर उन्होंने चेताया है कि अगर स्कूल स्टाफ तत्काल प्रभाव से यहां पर नहीं हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि 3 साल से अधिक समय से स्कूल में कार्यरत स्कूल स्टाफ तथा कार्य स्टाफ को हटाया जाना चाहिए। स्कूल में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रही, बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिसके चलते अभिभावकों में काफी चिंता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में अनुशासन बनाए रखे तथा बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का काम स्कूल प्रशासन का है, ताकि देश के भविष्य को अंधकार के गर्त में जाने से बचाया जा सके। लेकिन स्कूल प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है। स्कूल स्टाफ तथा कार्यालय स्टाफ के अंदर ही अंदर चल रही अंतर कलह का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने उप शिक्षा निदेशक को लिखित रूप से प्रस्ताव सौंपा है। अभी तक ये कार्रवाई हमारी जो है अंडर प्रोसेस है, कार्रवाई अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। बच्चों से बातचीत हमने कर ली है, उनके पेरेंट्स से बातचीत कर ली है, स्कूल के जो टीचर हैं, लेडी स्टाफ है, जेंट्स स्टाफ है, उनके व्यूज हमारे पास आगे हैं, प्रिंसिपल साहब के आगे हैं हमारे पास। अभी तक जो कल्प्रिट है उससे बातचीत नहीं हो पाई, तो ये सारी बातें जो हैं हमने हर पहलू को ध्यान में रखना है, उसी के अनुसार हमने अपना कंक्लूजन जो आपको देना है। अभी हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, अंडर प्रोसेस है। सर ऐसे है कि जो भी यहाँ 10-15 साल के हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ इशू हमारे जो यहाँ के जितने भी स्कूल के भविष्य के बारे में कुछ माहौल है जो खराब हो रहा है, कुछ राजनीति हो रही है इसमें, तो उसको या उसको इसको स्टाफ को हमारे को बदला जाए कुछ ये, क्योंकि कल हमने प्रिंसिपल साहब को पूछा है कि इस विषय में आपको पता है तो खानों पर गए, हमारे को इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एकदम दुनिया पब्लिक जब क्योंकि बताना चाह रहे, कुछ पता होना चाहिए थे स्कूल के, पहले ये इतनी बात हुई थी तो उसका कुछ तो कुछ उसको पता होना चाहिए था, इसलिए बच्चों का भी पीछे खराब कर लो, क्योंकि टीचर भी नहीं आएगा यहाँ पर पढ़ाने के लिए हमारे बच्चों का। जो है इतना स्कूल हमारा मॉडल स्कूल बन गया था, सीरियस कैंडिडेट मॉडल स्कूल, हमारे स्कूल का नाम या इतना रोशन था उतना नीचे हो गया। ये सर बहुत मेहरबानी है कि हमारे डिप्टी साहब से ये बात करना चाहते हैं कि यहाँ के स्टाफ जो है चेंज, क्लर्क तो रह के चेंज किया जाए।